एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया व्लॉग। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, मतलब मैं सुबह से उठी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ मिली है। मेरा जो DIY डिकोर पेज है इंस्टाग्राम का, तो वाला जो पेज है उस पर मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, बट बहुत कम एक्टिव थी, मतलब उतना फुल फ्लेजेडली नहीं डाल रही थी। तो क्या हुआ ना कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप किया गया था किसी ने, जो मैंने देखा नहीं। मतलब मैं बहुत मैसेजेस एंड जो मेल्स हैं इंपॉर्टेंट मिस कर देती हूँ, जिसके चक्कर में मेरे इवेंट्स मिस हो जाते हैं। कि आई नो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे चेक करते रहना चाहिए, बट हो जाता है मेरे से मिस। इवन मैं इंपॉर्टेंट कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस मिस कर देती हूँ। तो अगर आप भी कोई देख रहे हो और आपका मैंने कभी कोई मैसेज मिस किया हो, तो ऐसा मत समझना कि मैं इग्नोर कर देती हूँ या मैं जान पूछ के मिस करती हूँ, मेरे से मिस हो जाता है। सो आई हैव टू फोन्स, एक ये है प्राइमरी फ़ोन और दूसरा जो मेरा फ़ोन है वो सेकेंडरी फ़ोन ये है। जब से कुहू हुई है ये दोनों फोन एकदम साइलेंट पे रहते हैं। और अब आपको लगता होगा कि इंस्टाग्राम पे तो बड़ी एक्टिव रहती है, अपने जो आईपैड है उस पे चलाती हूँ, तो उसमें चलाती हूँ, फीड भी कराती हूँ, तो वो इंस्टाग्राम कैसा आप ऐसे रख दो, तो मैं यूजुअली उस पे इंस्टाग्राम चला रही होती। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इंस्टाग्राम पे तो बड़ी एक्टिव है पर हमको कॉल का जवाब नहीं दे रही है। तो मेरा ना ऐसे मिस हो गया। अब मैंने वो जो मैसेज है वो देखा जनवरी एंड में, तो मैं उनको रिप्लाई किया। मुझे लगा पता नहीं अभी रिप्लाई आया, ऐसे मेरे तीन चार अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स मिस हुए हैं। तो क्योंकि आप लेट रिप्लाई करते हो, उनका कैंपेन खत्म हो गया या हो गया सिलेक्शन उनका। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि ओके आई विल गेट बैक टू यू जब भी पॉसिबल होता है। फिर फरवरी में मेरे पास उनका कॉल आया एंड ऑल दैट। तो भोपाल का एक न्यूज़पेपर है जिसमें एजेंसी है, न्यूज़पेपर एजेंसी, जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और उनको मेरा काम वगैरह पसंद आया होगा। भोपाल के ही, मतलब मेन उनको भोपाल के इन्फ्लुएंसर्स चाहिए थे जिन्होंने अच्छा काम किया ऐसे करके। तो उन्होंने प्रॉपर मेरा कॉल पे इंटरव्यू वगैरह लिया और वो जो पब्लिकेशन है, मतलब वो जो पोस्ट है वो आज आया है। तो वो जिन सर ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने आज मुझे सुबह सुबह कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन किया। उन्होंने बोला मैंने सिर्फ आपका नाम दिया गया था, ये सिलेक्ट करना और इतनी बड़ी कवरेज मिलना ये पूरा एजेंसी की तरफ से था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतना बड़ा मिलता है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। अभी तो देखो मैं एक डेढ़ साल दो साल से इतनी एक्टिव नहीं हूँ जिस हिसाब से मैं पहले काम कर रही थी। हम बहुत एक्टिवली DIYs और ये सब करते थे, तो तब तो नहीं, बट उसका शायद रिजल्ट अभी मिला है। तो सबको थैंक यू, बिकॉज ये सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है। आप लोग अगर मुझे नहीं देखते तो मुझे ये नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू ऑल। अच्छा, दूसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने शेयर नहीं करी है। तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि मेरे को किसी एक उसमें सिलेक्शन हुआ है जिसमें आप सबके वोट्स की जरूरत है। तो वो वोट्स मुझे इतने भर भर के आए थे कि उसमें मेरा जो मिल गया प्राइज। अब उसके बाद जब वो मिला ना, अनाउंस हुआ कि आई एम द विनर, तो मैं सोच रही थी यार विनर तो अनाउंस कर दिया, अभी कुछ तो बताएंगे, कुछ तो होगा। तो वो कुछ तो होगा में ये था कि 26 सितंबर को मुझे उत्तराखंड में जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर वो पूरा जो भी करते सेरेमनी होती वहाँ पर गवर्नर हाउस के पास में, आई थिंक अकोमोडेशन भी था हमारा दो दिन के लिए और पूरा टूर, मतलब बहुत अच्छी मेल आई थी। वो मेल भी मैं यहाँ पर क्लिपिंग वगैरह चिपकाती हूँ कि 26 सितंबर डेट थी और 19 सितंबर को ये आई है मेरे पास। मैंने उनको ये चीज़ बता दिया था, बट उन्होंने बोला था कि हम 3 साल से ऑनलाइन ही कर रहे हैं एंड काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि सबको आना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अच्छी चीज हुई है, आज हमारा जो सोफा है वो भी जा रहा है, वो भी सेल आउट हो गया, ये भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब कल मैंने अपना लिटरली जो सोफा कम बेड है व्हाइट वाला जो हम यूज करते थे, जो हमारा प्राइमरी सोफा कम बेड हुआ करता था बहुत टाइम तक, वो मैंने लिटरली डाला ही है, विद इन 1 आवर में वो सोल्ड आउट हो गया। मतलब जाने भी वाला है और उसकी जगह पे हम क्या आने वाला है, क्या हमने ऑर्डर कर दिया है, वो सारी चीज़ें तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो में 2-3 चीज़ें और शेयर करने वाली हूँ। हाँ हाँ क्यों, हाँ हाँ क्या, कौन दिख रहा है, कुहू को कुहू दिख रही है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी मैंने बातें कर ली, इंट्रो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। सो दिस सोफा इज फाइनली, टमाटर की चटनी, आई एम टेकिंग दीज टमेटोज जिनको मैंने ऐसे हाफ तरीके से कट कर दिया है, और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से लहसुन भी लिए हुए हैं। एंड दिस
तो यहाँ पर मैंने टमेटोज को सॉगी करके उनकी जो स्किन है वो पील कर दी है। यहाँ पर मैं रेड चिली जो है उसको कट कर रही हूँ। अगेन मैंने पैन में ऑयल डाला है और राई, जीरा और सौंफ डाली है, साथ में लाल मिर्ची डाल दिया है। 2 मिनट तक इनको हल्का सा थोड़ा सा ब्राउनिश टर्न होने देना है और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टमेटोज और इसमें लहसुन भी था है ना, तो वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये कुहू आ गई है देखने के लिए कि क्या बन रहा है। यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है और साथ में बहुत सारा ब्राउन जैगरी डाला हुआ है, जैगरी पाउडर है बेसिकली ये, मैं ब्राउन शुगर बोलने वाली थी वैसे, तो वो डाल करके इसको अच्छे से पका लेना है। तो 10 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे और फिर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी प्योरी बना लेंगे। अब इसको हम सुखाएंगे, मतलब थोड़ा थिक करेंगे, पानी जो है इसका वो थोड़ा ड्राइड अप हो जाए और ये हमारी जो चटनी है बनकर रेडी हो गई। 1 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो धनिया ऐड कर दीजिए, बट मैंने धनिया ऐड नहीं किया था बिकॉज धनिया की चटनी मैंने अलग से बना ली थी। बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी सी, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये है रेसिपी। ओके गाइस, मेरा जो वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज। एक्चुअली मेरे वार्डरोब में क्या मेरे पास कपड़े हैं क्या नहीं है, मैं सिर्फ 4 जो कपड़े पहन रही हूँ, ये टी शर्ट, 2 टी शर्ट्स और 2 मेरे फीलिंग टॉप, दैट्स इट। उन्हीं को रिपीटेड मोड में पहन रही हूँ बिकॉज मुझे पता ही नहीं है मेरे पास क्या कपड़े हैं क्या नहीं है। सब कुछ एकदम ऐसे घुचे हुए रखे हुए हैं बिकॉज इट्स बीन मोर देन 7 मंथ्स है ना, तो मुझे याद भी नहीं है। वो स्लीपिंग, वो आधा घंटा और सोएगी, लेकिन जब ये उठेगी तो ये 1 घंटा खेलेगी। तो अभी जो मुझे टाइम मिलेगा वो थोड़ा एटलीस्ट 1 घंटे का मिलेगा। अब तक मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट सिर्फ ज़्यादा नहीं, पूरा मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने का रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज उसमें दिन भर लग जाएगा मुझे। मैं सिर्फ 3 शेल्व्स ले रही हूँ, मतलब 3 जो सेक्शंस हैं वो ले रही हूँ एंड उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो मेनली मैं जो घर में कपड़े पहनती हूँ ना अभी, मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। बाहर के कपड़ों का तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ। पहले मेन जो मेरे को घर में पहनने के लिए डिक्लटर करना है, बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे टॉप्स होंगे जो अब शायद मैं कभी पहनने ही नहीं वाली हूँ, तो आई एम गोइंग टू डिक्लटर इट। सो यस, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से शेल्व्स मैं कर रही हूँ। आई एम डूइंग दीज 3 सेक्शंस, दैट्स इट, दिस दिस एंड दिस। ऊपर वाला जो छोटा सेक्शन है ये मैंने कुहू के लिए डेडिकेटेड कर दिया है। इसमें वो क्लोथ्स हैं, विंटर क्लोथ्स हैं जो यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उसमें रखे हुए। मुझे इस बैग को भी निकालना है बिकॉज आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स हैं वो पूरी तरह से चिप होने लगे हैं, चिप ऑफ होने लगे हैं। तो मैं एक नया स्लिंग बैग खरीदने का सोच रही हूँ, थोड़ा अच्छा वाला, तो इसको मैं निकाल दूंगी। तो हमारा जो कुहू है वो उठ चुका है। एक्चुअली ये इतने टाइम पे ये उठती है, मैंने बोला था ना आधे घंटे में ये उठ जाएगी। तो बारिश वारिश होती है, नहा धो करके बढ़िया सोती है वो। फिर क्या बोल रही थी आप लोगों को, ये जो कपड़े हैं अभी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। इतने बजे मेरी मम्मी से बात करने का टाइम होता है, मम्मी का मौसी से बात करने का टाइम होता है और मेरा इतने बजे मम्मी से बात करने का टाइम होता है। कह रही थी कि इतने ज्यादा कपड़े हैं ये और अब हो चुके हैं कि बहुत पुराने। तो मैं तो लिटरली ये सोच रही हूँ, मतलब ये सब कोविड के पहले के कपड़े हैं जो मैं ज़िवामे के साथ बहुत कोलैबोरेशन करती थी, तो आधे ज़्यादा नाइट सूट मेरे सब वही हैं, टी शर्ट्स भी मोस्टली वही है। तो मैं तो ये सारे कपड़े सोच रही हूँ निकालने का, क्यों बहुत बोर भी हो गई हूँ मैं इनको देख देख करके। उसमें इसको थोड़ी देर बाद फीड कराना और फिर से सुलाना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अभी जस्ट शार्क टैंक देख रही थी और इसको सुला भी रही थी। तो ये कैसा होता है ना, जैसे मैं मम्मी से बात कर ली फ़ोन पे, ये नहीं उठी। मैं टीवी देख रही थी, नहीं उठी। मैं सीरियल देख रही थी, ये नहीं उठी। विक्की बिना बात करे सिर्फ कदमों से यहाँ चल के गया और ये उसको ऐसे देखती है, जैसे वो नहीं थी कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान की माँ को पता चल जाता था शाहरुख खान वहाँ एयरपोर्ट अपने वो चॉपर पे से उतरता था, कदम रखता था, तो वो देखने लगती थी, बाल उड़ने लगते थे। इसके बाल वाल तो नहीं उड़ते पर इसको फीलिंग हो जाती है कि मेरा पिताजी निकल के जा रहे हैं, तो ये आँखें खोल के देखने लगती है एक्साइटमेंट से। ये मैडम हमारी गुरु जी बैठी है, इसे देख ले हम ना हैरान। शॉक इसलिए है वो क्योंकि वो नींद में है। इसका फर्स्ट पार्सल, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये मुझे पता है किसने भेजा है, बट ये पहला ऐसा पार्सल है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। ये भेजा है निशा के हस्बैंड ने, जिनको मैं भैया बोलती हूँ। सो फॉन्ड ऑफ कुहू, जबकि वो आए थे तब भी वो अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट्स में देकर के गए थे और अभी ये कुहू के लिए बड़ा क्यूट सा एलिफेंट आया। सो एक्साइटेड, थैंक यू मामू, बोलो थैंक यू। मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, गुड मॉर्निंग। हेलो कुहू, अभी सो के उठा है। बस शोर आपको आ रहा है ना, अभी हमारे यहाँ अडल्ट क्रिकेट हो रहा है। अडल्ट मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सैटरडे संडे यहाँ पर सुबह से 8 बजे से इन लोगों का क्रिकेट स्टार्ट होता है।
ठीक है, अच्छा है, तो यही पीछे होता है। दूसरी तीसरी चीज़ मेरे को कमेंट में आया था कि आपने तो बोल तो दिया कि आपका जो स्ट्रॉलर है वो बहुत अच्छा है, पर ये क्यों अच्छा है उसकी फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी बता दीजिए। बिकॉज अच्छा, मैं एक अभी थोड़े दिन पहले नीचे जाती हूँ उसको लेकर के, तो बहुत सारी हमारे बिल्डिंग में बहुत सारी मम्मी हैं, तो एक मम्मी है जिसका बच्चा आई थिंक 10 मंथ का होगा, तो वो मेरे को बोलती है, कहती है कि आपने इसको बचपन से न्यू ये अच्छे से रहती है स्ट्रॉलर में, आराम से बैठती है। तो वो बोलती है उनका बच्चा 10 महीने का है और उसके पास वो वैसी वाली साइकिल है जो पीछे से ऐसा हैंडल होता है ना, साइकिल है और स्ट्रॉलर भी होगा उसके पास, वो भी होगा उसके पास, प्रैम भी थी। तो मुझे बोलती है आपने इसको जब ये पैदा हुई होगी तब से हैबिट डाली होगी ना, बिकॉज हमने जब ये 3 मंथ की थी हमने प्रैम लिया इतना महंगा सा, बट ये नहीं बैठी उसमें। अब मैं कुछ बोली नहीं उस टाइम पे कि भाई हमारा तो अभी जब वो 4 महीने की होगी तब हमने यहाँ पर आकर के लिया है, मतलब मैं चुप रही, मैंने कहा ठीक है फालतू में वैसी इतनी सी बात पे ये इतना लोड ले रही है, ये मैं बता दूंगी कि नहीं नहीं ये तो हम अभी आए तब से, तो स्ट्रेस में आ जाएगी कि मेरे बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसे हंस के मैं टाल के निकल गई अपना। बहुत सारे बच्चे देखिए नहीं रहना पसंद करते हैं, सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि उसका जो बच्चे का प्रैम होता है ना वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा, जो बेल्ट आप बांधते हो ना उससे भी बहुत अनकंफर्टेबल कभी कभी होते हैं। तो अब मैं इसकी फंक्शनैलिटीज़ आपको बताती हूँ। प्रैम जो हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ इसकी तो ऑब्वियसली ये है, वो ये है कि इसका जो हैंडल है वो आप यहाँ पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप आगे भी कर सकते हैं लाइक दिस, ओके। सो ये आपका पूरा ऐसे हो जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अच्छी चीज है वो ये है कि मैं तो हमेशा इसको ऐसे ही रखती हूँ, आगे से देखती हूँ, ओपन फ्रॉम दिस, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आराम से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा ढक देती हूँ और यहाँ से ओपन कर देती हूँ जब भी इसको दिन में सुलाती हूँ, ताकि फैन की भी उसको हवा लगती रहे और उसको एक तरीके से थोड़ा शेडो भी मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर अच्छी खासी कुशनिंग करके रख दी है, मतलब ये इसके बेल्ट लगे हुए हैं, आई डोंट यूज दिस बेल्ट एज सच, तो मैंने यहाँ पर अच्छी बेडशीट को ना थोड़ा मोटा कर दिया है और उसके ऊपर मैं जो डायपर चेंजिंग मैट होती है ना वो बिछा देती हूँ। तो इसको अच्छी कुशनिंग मिल गई है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें सोती है आराम से। अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि ये देखिए यहाँ से कितना उठा हुआ है और यहाँ से कितना उठा हुआ है, तो टर्न होने का गिरने का कोई डर नहीं होता है। आप इधर से भी देखिए जहाँ पर ये पैर रखने का होता है, हमने इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर दिया है, पैर लटका करके आराम से बैठ सकती है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है जिसको आप इतना फिट करके इसको ऐसे रख सकते हैं, तो अपने पैर ये इस तरीके से भी रख सकती है। तो गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट, अभी क्योंकि ये छोटी है तो मैंने इसको क्या कर रखा है, यहाँ पर ऐसे रख दिया है। उसके बाद रही बात यहाँ साइड की, तो यहाँ से तो इतना गिरने का डर नहीं होता है, बट मैं आपने मोस्टली देखा होगा कि इसके टॉयज रहते हैं, तो यहाँ पर पूरी इसकी जो डॉल है ना हम या तो वो रख देते हैं इस तरफ या कुछ रख देते हैं, ऐसे इतना टिल्टेड रहता है जब मैं उसको नीचे घुमाने लेकर के जाती हूँ। उसके बाद ये और सीट पर भी कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ये देखिए ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब ये अच्छे से बैठने लगेगी तब मैं इसके लिए बेल्ट यूज़ करूँगी और आराम से इसका पैर डाल करके यहाँ बैठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंटे, यहाँ पर बॉटल की रख सकते हो, दूध की, या बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और ये देखिए ये ऐसे पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है। अब नीचे भी इसमें देखेंगे तो स्टोरेज भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है, तो पूरे डाइपर बैग आ जाता है, हमारी बॉटल्स आ जाती है, जब हम आइकिया गए थे तो हमारे लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और इसका डाइपर बैग सब कुछ इसके अंदर हमने रख दिया था, तो आराम से आ जाता है। तो आई रियली लाइक इट, इनफैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द व्हील्स, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर व्हील्स को लॉक करने का सिस्टम दिया हुआ है, बहुत सारे फंक्शंस है, इसको करोगे तो स्ट्रेट रहे चलेगा, फिर आप इसको करोगे तो व्हील्स लॉक हो जाएंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस एंड आई रियली लाइक इट। हम लोगों ने वाला बाथटब मंगवाया है, तो ये दो बेस्ट चीज, एक तो ये क्या है काफी बड़ा है, हाँ सब कुछ उसके अंदर डाल दो। बेस्ट चीज ये है कि आप कभी भी फिल इन कर सकते हो, कभी भी रख सकते हो, पंप के साथ आता है ये, तो आप घर पर ही इसको पंप पे 5 मिनट लगते हैं, बट दिस इज गुड बिकॉज कुशनिंग है, पूरे में कुशनिंग है, तो वो इधर लगे उधर भिड़े उधर भिड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आराम से लगने वगने का कोई डर नहीं होता है, अलग से कुशन की कोई जरूरत नहीं होती है। 2 वीक की लेकर के आया है अलग से एक और कुशन, साथ में कुछ 2-3 बॉल्स आती है, ये बॉल्स आई हैं इसके साथ, बैठती है और आराम से फिर गिरने का पता, चाहे इधर सर लुढ़के चाहे उधर सर लुढ़के, बिकॉज अभी एकदम स्टेबल नहीं हुआ है ना बैठने का सिस्टम, और यहाँ पे पूरा अच्छे से टिकने का है, तो आराम से टिकती है और ऐसे आराम से बैठती है। तो दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल, वेन एवर वी ट्रैवल टू भोपाल एज वेल हम इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, तो मुझे तो ये बेस्ट लगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes.
wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. छोड़ देने के बाद कुकू को पहनाएंगे हम ये वाला ड्रेस. बड़ा ही क्यूट सा ड्रेस है. इसकी स्लीव्स देखिए, इसका सब कुछ देखिए, इट्स वेरी क्यूट. और साथ में ये मैचिंग के सॉक बबेंस भी लगा सकती हूँ मैं. यहाँ से इसका ले लेते हैं टाल, ये रख देते हैं इसके ऊपर. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस शाम हो चुकी है और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो काम है ना वो हो गया. एक्चुअली भसड़ बहुत सारी हुई है इस काम में. तो ये पूरी ऐसी यूनिट लगनी है, अभी बहुत सारा काम बचा है. पूरी लाइटिंग लगनी है. बेड नहीं आया है अभी भी. बेड अब आएगा एक हफ्ते बाद. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम जिनसे काम जिसने ये बनाया है ना, हमने उन्हीं से ही पूरा काम करवाया है. काम बहुत अच्छा है उनका, एकदम मटेरियल वगैरह वो इतना बढ़िया यूज़ करते हैं. थोड़ा से लेजी नहीं बोलूँगी, मतलब थोड़ा काम डिले हो जाता है. कि जो सनमाइका है वो हमको इसके मैचिंग की लगवानी थी. ये आप देखेंगे ना तो ये ऐसा आइवरी वाइट कलर है. इट्स नॉट एग्जैक्टली वाइट, मिल्की वाइट नहीं है ये, थोड़ा सा आइवरी है. तो ये हमारे पूरे वॉल से बहुत प्यारी तरीके से ब्लेंड हो जाता है. नाउ ये जो वाइट लगा के गए हैं ना, दिस इज वेरी, आई डोंट नो इफ यू कैन फिगर इट आउट और नॉट, बट ये जो वाइट है ना, ये इससे डिफरेंट वाइट है. तो हम लोगों का ये वाला वाइट और ये वाला वाइट सब मैच है. जबकि ये काम हमने किसी और से करवाया है, ये काम हमने किसी और से करवा रखा है. टीवी यूनिट तो आपको पता ही है, काफ़ी पुरानी है. तो ये सब फिर तो क्या होगा, ये बहुत अच्छे से ऐसे स्ट्रीमलाइन लगता. अभी यहाँ पर शेल्फ्स लगना बाकी है, लाइट्स लगना बाकी है, दो तीन और चीज़ें होंगी. तो इस रूम में एक अच्छा खासा स्टोरेज आ जाएगा. ठीक है, ये जो टेबल है विक्की की, ये तो ऑब्वियसली वो नहीं बदलने दे रहा था मुझे. अदरवाइज मेरे को तो था कि ये भी बदलवा देते हैं, बट नहीं बदलेगी. तो ये हम क्या करवाने वाले हैं, इसको कट करवाने वाले हैं. वर्क जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस ही है. और इस दीवार, इस एक दीवार में मुझे वॉलपेपर भी लगवाना है. वॉलपेपर देखते हैं, या तो हम खुद लगा लेंगे अमेजन से लेकर के, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा बजट यहाँ पे हाई नहीं करना है ड्यू टू सो मैनी रीजन्स. इस घर में अब इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है. जितना हमको लगता था लगाना था उतना हमने लगा दिया है. अभी मैंने बस अभी वो गए हैं भैया लोग, वो भी कंप्लीट काम नहीं हुआ है. तो वो चीज़ हुई है. अभी फटाफट से रोटी वगैरह बन गई है. और आज हम लोगों ने ये बनाया था पालक पनीर. ये जो पनीर है, मैं पनीर नहीं खाती बाहर का. मतलब मैंने लिटरली अपनी प्रेगनेंसी में बाहर का पनीर नहीं खाया है. मैं सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ पनीर खाती थी. मुझे मन ही नहीं करता बाहर का पनीर खाने का. मैंने ऐसे दो तीन वीडियोस देख लिए थे जो सिंथेटिक पनीर जिस तरीके से बनाते हैं ना, वो सर्फ वगैरह डाल करके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही खा रही हूँ. तो मैं खा ही नहीं पाती थी. तो अभी ना हमने दूध लगवाया हुआ है, बहुत अच्छा दूध लगाया है. कितने रुपए लीटर है अपना जो दूध आता है? तो हमारा जो दूध आता है, गाय का दूध आता है, फार्म से मंगवाते हैं हम लोग. 110 रुपए लीटर है. थोड़ा नहीं, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है. बट उसकी जो मलाई निकलती है, आपको पता होगा मैं पहले भी जब हम वहाँ रहते थे तो हमने विक्की का बर्थडे बनाया था, तब मैंने रबड़ी बनाई थी. मैं रबड़ी बहुत बनाती थी लॉकडाउन में. तो क्या ज़बरदस्त उसकी रबड़ी बनती थी. मतलब टेस्ट ही अलग था कि मैं उसके अलावा कोई और रबड़ी खाना पसंद भी नहीं करती थी. तो वैसे ही, और A2 मिल्क मतलब घी निकल जाता है घर पे. तो चाहे आप A2 घी बाहर से लेके आओ, इतना एक्सपेंसिव. तो हमने दूध ही इतना महंगा लेना स्टार्ट कर दिया. हालाँकि वो पूरा हम पी नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, हर दो दिन में पनीर बन जाता है, घी मलाई खूब सारी निकल जाती है, घी बन जाया करेगा. और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं दूध को, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है. तो दूध वो वाला हम लोग मंगवा रहे हैं. और अभी फटाफट से खाना खाते हैं. आज एक और पंगा हुआ है, वो मैं भी थोड़ी देर से बताती हूँ. अभी एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बना रही हूँ मैं. घर पे ही चीज़ टोस्ट बनाऊँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई करना. तरह काम करेंगे. तो ये हमने टोस्ट ले लिए, हरी चटनी और लाल चटनी. ओके गाइस, तो अब हो चुकी है अच्छी खासी, बज चुके हैं 9 और उसका सोने का टाइम हो चुका है. तो वो देखिए क्रैंकी हो चुकी है, एक बार वो नैप ले चुकी है. अभी
विकी ने बेल बजाई तो वो उठ गई, तो अभी फिर से जा रही है वो सोने के लिए। बस उसके कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ मैं रात में, तो ये उसका पूरा अभी बस नाइट रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुहू को सुला देंगे। चलिए वो क्रैंकी हो चुकी है, मैं फटाफट से उसको सुलाती हूँ, कल आप लोगों से मिलती हूँ।